नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर उज्जैन से है, जहां एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। राजा बनकर मुस्लिम युवक अपने से 3 वर्ष बड़ी युवती को फंसाकर दुष्कर्म करता रहा। अजमेर घुमाने ले गया, वहां युवती को पता लगा कि युवक मुस्लिम समाज का है, जिसके बाद युवक युवती को 1 वर्ष तक प्रताड़ित करता रहा। सोमवार को युवती ने हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ जाकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सिंधी कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय युवती ने 23 वर्षीय सदाब पर आरोप लगाया है कि युवक ने उसे अपना धर्म छुपाकर दोस्ती की और उसके बाद करीब 2 वर्षों तक दुष्कर्म करता रहा। जब युवक के मुस्लिम होने का पता चला तो युवती को प्रताड़ित करने लगा और जान से मार देने की धमकी देते हुए बीते 1 वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था। इसी बात की सूचना जब बजरंग दल के जिला संयोजक पिंटू कौशल को लगी तो उन्होंने लड़की से संपर्क साधा, जिसके बाद युवती ने अपनी आप बीती बताई और आज नीलगंगा थाने में युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य मामले में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फरियादी युवती ने बताया कि 2022 में फेसबुक पर हमारी दोस्ती हुई, उस दौरान युवक ने अपना नाम राजा बताकर धर्म हिंदू बताया। इसके बाद हम मिलने लगे। जनवरी 2022 में राजा उर्फ सदाब राजस्थान घुमाने का बोलकर अजमेर ले गया, जहां सुबह उठे तो उसने मुस्लिम टोपी पहन रखी थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने अपना नाम सदाब बताकर अपना धर्म मुस्लिम बताया और मेरे साथ निकाह करने की जिद करने लगा। मेरे मना करने पर मेरी हत्या और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता रहा। इसके बाद भी आरोपी सदाब मेरे साथ लगातार धमका कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। बजरंग दल के पिंटू कौशल सहित अन्य कार्यकर्ता युवती को लेकर नीलगंगा थाने पहुंचे। यहां उन्होंने युवती के साथ सदाब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पिंटू कौशल ने बताया कि युवती 1 हफ्ते पहले शिप्रा नदी में आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता ने उसे देख लिया और जब पूछा तो उसने सारी बातें बता दी, जिसके बाद युवती को समझाकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आज उज्जैन बजरंग दल को सूचना लगी थी कि एक लव जिहाद का मामला है, जो कि एक हिंदू नाम बताकर, जो कि राजा नाम बताया था फेसबुक के माध्यम से, हिंदू बहन से उसने दोस्ती करी थी और काफ़ी 2 साल से उसका शारीरिक शोषण करा उसने, और इसको राजस्थान कहीं घुमाने ले गया था, पर क्योंकि राजस्थान कहीं घुमाने नहीं ले गया, वो अजमेर की दरगाह ले गया। अजमेर की दरगाह पे ले जाकर इसने वहाँ पर नमाज वमाज पढ़ा तो वहाँ पे जाके पता चला कि इसका नाम राजा नहीं है, शादाब खान करके है, ये रहने वाला उज्जैन का है। और वहाँ पे इनके लड़े झगड़े हुए तो बोले कि तू अगर मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तेरा टुकड़े कर दूंगा, मार दूंगा, ऐसा कुछ बहुत सारी धमकियाँ दी। जब वहाँ से वो भग के, ट्रेन से भग के 14 तारीख को यहाँ पे उज्जैन आई, जिसके माध्यम से कहीं सूचना तंत्र से वो हमारे पास आई, जिसको लेके हम आज कायमी कराने नीलगंगा थाने पे आए। अभी हमारे पास में सिंधी कॉलोनी निवासी एक युवती द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उसके साथ में एक अन्य युवक, जिससे उसकी फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, उसने उसका शारीरिक शोषण किया है। युवती की रिपोर्ट पे हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।